और वहीं प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार राजनांदगांव सीट पर मतगणना की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तैयारी की रिहर्सल की है। इस बार राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी से वर्तमान सांसद संतोष पांडे चुनावी मैदान में थे, तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने मतगणना स्थल पहुंचकर मतगणना की रिहर्सल की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से राजनांदगांव में 4 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी, वहीं कवर्धा जिले में 2 विधानसभाओं की और खैरागढ़ जिले में 1 विधानसभा और मानपुर मोहला जिले में 1 विधानसभा की मतगणना की जाएगी। चार जून को राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत मतगणना की कार्रवाई होनी है, उसमें किस रूट से हमारे काउंटिंग में सुपरवाइजर असिस्टेंट जो है उनको आना है, जैसे चिकित्सा व्यवस्था है ना कहाँ पे होगी, शाम को किस जगह पे जो है सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 4 विधानसभा की काउंटिंग यहाँ होगी, 2 विधानसभा की काउंटिंग कवर्धा में होगी, 1 विधानसभा की खैरागढ़ में और 1 विधानसभा की मोहला में होगी। तो उधर से भी जो है राउंड वाइज डेटा जो है ना यहाँ आएगा, उसको कंपाइल करके अनाउंसमेंट होगा पूरे लोकसभा का हर राउंड में। सिक्योरिटी पर्सनल्स है ना कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, क्या चेक करेंगे, उन सारी चीज़ों